بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله آج پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھا جائے مسلمان پستی کی حالت میں اشتہار پر بھی یہی موضوع لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے اسلام کے نام پر بہت ساری جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں اور ہر جماعت کا مقصد مسلمانوں کو پستی سے نکالنا ہے دین کے لیے نکلو ایک جماعت کا اعلان ہے اور طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو نمازی بنا دیا جائے ہر شخص کا اخلاق بہتر کر دیا جائے ہر شخص دعوت دین کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو تین دن چالیس دن سال ساری عمر لاکھوں کا اجتماع کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کی حالت سمر جائے لیکن مسلمانوں کی حالت سنورتی نظر نہیں آ رہا ایک جماعت ہے جو سمجھتی یہ ہے کہ اگر ہر مسلمان جہاد کا عالم لے کر کھڑا ہو جائے ہر مسلمان قتال کرنے لگ جائے جہاد تو اسلام کی کوہان ہے اسلام کی چوٹی ہے کفار سے مقابلہ ہو اور جہاد چھوڑنے کا سبب ذلت اور پستی بتلاتی اور بہت ساری جماعتیں ذکری جماعت کہتی ہے کہ اگر تم صرف اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ انقلاب آ سکتا ہے مسلمان عروج حاصل کر سکتے ہیں آخر مسلمان اس پستی سے کیسے نکلیں گے حالات ہمیں بتلاتے ہیں کشمیر ہے جسے پاکستان کی شاہراہ کہا جاتا ہے مشرکین کی جماعتیں بھی جہاد کر رہی ہیں موحدین کی جماعت بھی جہاد کر رہی ہے
और जिहाद का आलम यह है कि जब हिंदू बनिया उनके दरबारों की बेहुरमती करता, जब हिंदू बनिया उनके बुजुर्गों की कब्रों पर बूटों समेत चढ़ जाता, तो यही जिहाद करने वाले जो मुसलमानों को पस्ती से निकालना चाहते हैं, उस कब्र पर खड़े होकर उस कब्र पर पहरा देते हैं और कहते हैं कि हमारे होते हुए हमारे बुजुर्गों की कब्रों की मकबरों की तौहीन नहीं हो सकती। चाहते ये हैं कि मुसलमान पस्ती से निकल खड़े हों। यही लोग हैं जो मुसलमानों को पस्ती से निकालने के लिए बॉर्डर पार जाकर उन मजलूमों की मदद करते हैं, और कितने ही नौजवान हैं जो उस इलाके के कब्रों पर इन मुजाहिदीन से चंदा डलवाते हैं और ये समझते हैं कि इस तरीके से मुसलमान पस्ती से निकल सकता। इराक में मार पड़ती है, इराक वलियों का शहर है, इनका गौसे आजम वहां पर मौजूद है, उसकी कब्र मौजूद है, अली और जैनब की कब्र मौजूद है। इराकियों को जब मार पड़ती है, इराक के रहने वाले मुसलमान उस पस्ती से निकलना चाहते हैं और तरीका ये अपनाते हैं कि जैनब की मकबरे पर जाकर उसके वसीले से अपने रब से मांगते हैं। है मुसलमान पस्ती से निकलना चाहते हैं कि यह उम्मत पर जो जवाल आया हुआ है कि शायद ही कोई खित्ता हो जो मुसलमानों का जुल्म से ना बचा हो। अफगानिस्तान है जहां पर मुसलमान लड़ते रहे, फिर मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला काटते रहे, वहां के बासी अपनी आंखों से देखा कि कलाशन पर तावीज बांधकर कुफार पर फायरिंग किया करते थे, और अकीदा यह था कि इस तावीज की बरकत से हमें फतह मिल जाएगी। जैसे इंडिया में चरार शरीफ है तो अफगानिस्तान में मदार शरीफ है, जैसे यहां पाक पतन शरीफ है इंडिया में अजमेर शरीफ है। ये कलमा पढ़ने वाले, मार खाने वाले, अपनी इज्जतें लुटाने वाले, अपनी मस्जिदें शहीद करवाने वाले, अपने कुरान को जलाने वाले कहते हैं हम पर काफिर जुल्म करता है, और पस्ती से निकलने का तरीका जिहाद है या सलात कमेटियां है या दावत दीन पर चिल्ले हैं कि मुसलमान इस पस्ती से बाहर निकल आए, लेकिन निकलते हुए उनकी कब्रों पर मकबरों पर इलाके के बुजुर्गों के दरबारों पर पहुंचकर उनसे सवाल करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है, अमेरिका इराक पर बमबारी करता है और तुम्हारा गौसे आजम जिसको तुम खित्ते में हर जगह पर पुकारते हो अपने उस कब्र और मकबरे और गुंबद को उन कुफार के बमों से नहीं बचा सकता। यहां के मुसलमान जमा होते हैं, कयादत के अंदर आए दिन वफद बनाते हैं कि कुफार के सफीर से मुलाकात की जाए और उसे कहा जाए कि हमारे बुजुर्गों के मकबरों का हया करो, उनके बमों का निशाना मत बनाओ। चाहते ये हैं कि मुसलमान पस्ती से बाहर आए, जवाल खत्म हो, इनको उरूज हासिल हो, लेकिन तरीका हर एक का अपना है। एक को इस्लाम में पूरा जिहाद ही नजर आ रहा है, खा कबर परस्त करे, खा अली को मुश्किल कुशा कहने वाला करे, खा अल्लाह को एक अकेला मानने वाला करे, दूसरे को तस्बीहात नजर आ रही है कि फजाइल सुनाओ, मसाइल किसी और से जाकर पूछो, वो समझता है इस तरीके से मुसलमानों को उरूज हासिल हो सकता है। मेरे भाइयों, जिक्र करने वाले ये समझते हैं पूरी कौम को जिक्र पर लगा दिया जाए, मुसलमान उठ खड़े होंगे,
लेकिन याद रखिए कोई भी शख्स हक पर नहीं है। क्यों? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन अल्लाह यरफाउ बिहादल किताब अकवामन व यदाउ बिही आखरीन औ कमा काल, कि अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सी कौमों को आसमान पर पहुंचा दिया करता है और बहुत सी कौमों को जमीन पर पस्ती पर डाल दिया करता है, जलील और रुस्वा कर दिया करता है। हमारे सामने सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे उम्दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है कि मुसलमानों के ये पैगंबर इमामुल अंबिया हैं, कायनात के सरदार हैं, शाफिए माशर है, सैयदुल मुरसलीन है। खड़े होते हैं कोहे सफा पर, कौम को दावत देते हैं बड़े बड़े कबीलों का नाम लेकर, और कौम को क्या कहते हैं? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कि तुम ये कहो अल्लाह के अलावा कायनात में कोई इलाह नहीं है, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। फाइदा मुत्तुम कुंतुम मुलूकन फिल जन्ना, और जब तुम मरोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत का मालिक बना देगा। पैगंबर की जिंदगी, पैगंबर का तरीका, पैगंबर का रास्ता हमारे लिए मॉडल है। पैगंबर जिस बस्ती में पैदा हुए, जिस बस्ती में जवान हुए, जिस बस्ती में नबुव्वत का ऐलान किया, वो पूरी बस्ती, बस्ती के वासी, बस्ती के रहने वाले, बस्ती के मर्द, बस्ती के औरतें, बस्ती के बच्चे लात और मनात के पुजारी थे, उज्जा और हुबुल के मुरीद थे, गारों के दरों पर झुकने वाले, गारों के नाम पर नजर देने वाले, गारों के नाम पर न्याज तकसीम करने वाले, गारों के मकबरों पर अपने जानवर को जिबा करके उनके खून को बहाने वाले। पैगंबर का तरीका हमारे लिए मॉडल है, पैगंबर का तरीका हमारे लिए नमूना है। पैगंबर ने क्या किया था? नमाजें पढ़ाई थी, रोजे रखवाए थे, जिहाद करवाया था। मक्की जिंदगी है, चारों तरफ को छोड़िए वो घर जो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया था, इस्माइल जमीहुल्लाह ने पत्थर ढोए थे, उस घर के बाहर भी उस घर के अंदर भी बुतों का एक अंबार लगा हुआ है। कहीं इस्माइल जमीहुल्लाह की तस्वीर है, कहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह की मूर्ति है, कहीं लात और मनात मौजूद है। उस घर के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर ने सबसे पहले मुसलमानों को, अहले कुफार को, मुसलमान जो पैगंबर के हाथ पर कलमा पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे, कौम कहती है, हदीस में आता है अल्लाह का ये पैगंबर बैतुल्लाह के साए के अंदर लेटे हुए है, एक मुसीबत ज़दा, एक मजलूम अपनी फरियाद लेकर आता है, ए अल्लाह के पैगंबर इस कलमा पढ़ने की वजह से सताए गए हैं, ए अल्लाह के पैगंबर मारे पड़ रही है, ए अल्लाह के पैगंबर घर बार बर्बाद हो रहा है, ए अल्लाह के पैगंबर गलियों में घसीटा जा रहा है, ए अल्लाह के पैगंबर गले में कपड़े डाले जा रहे हैं, ए अल्लाह के पैगंबर जुल्म की हद हो चुकी है, अपने रब से कहिए या हमें इजाजत दीजिए, रब हमसे कब अपने इमदाद उतारेगा। अल्लाह के पैगंबर लेटे हुए थे, कहर उतर आया, नाराज हो गए, साए से उठकर बैठ गए और कहा सबर करो, अभी तुम पर वह इम्तिहान नहीं आया, तुमसे पहले लोगों ने जब अल्लाह की तौहीद को कबूल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, उनको जिंदा खड़ा करके लोहे की कंगियां बनाकर उनके जिस्म में फेर दी गई थी, जिस्म के रेशों को, बोटियों को, गोश्त को, लोथड़ों को रेशों में तब्दील कर दिया था। करीब है अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, ठहर जाओ, अपने हाथों को रोके रखो, रुक जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तौहीद का पैगाम बुलंद करो। लोगों, वो मक्का की बस्ती का सीन आज गुजरावाला में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी में नहीं, गुजरात और वजीराबाद में नहीं, पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं,
सरहद में नहीं, बलोचिस्तान में नहीं, पूरा बर्रे सगीर, पूरी दुनिया आज कबर पर